फिलहाल आज जो ना ऐसा काफी दिनों के बाद एक और नया ट्रैवल ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। एंड इस ट्रैवल ब्लॉग में हमारे साथ दो बहुत ही कलाकार लोग हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं और पेल के बस्ती होने वाली है, पेल के धमाल होने वाला है, तो बने जरूर रहिएगा। एंड फिलहाल टाइम हो चुका है ज़्यादा, तो फिर अभी चलते सीधे वरना फिर लेट हो जाएगी, बस निकल जाएगी, फायदा क्या, बाकी क्या आगे की बातचीत सीधे बस में होती है। अभी जना ऐसा हम लोग इधर पे आ चुके हैं बढ़िया मस्त बस स्टेशन पे, एंड अभी आधे घंटे में बस है, फिर उसके बाद चलते हैं बढ़िया मस्त एंजॉय करते हैं ट्रिप को। ओके हाँ, तो वैसा अभी जो है ऐसा बढ़िया बस मोमोज वगैरह पैक करा लिए एंड अब चलते बस के अंदर एंजॉय करते सफर को। ओके हाँ, तो वैसा अभी जो है ऐसा हम लोग बस के अंदर बैठ चुके हैं बढ़िया मस्त है, चल एकदम भाई मज़ा आ रहा है पेल के। एंड फिलहाल मैंने जो ना आपको अपने इस ट्रिप के मेंबर्स ने इंट्रोड्यूस कराया, तो वो और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ एक बार, तो इनसे मिलिए सबसे पहले। तो ये हमारे वेद के बड़े भाई, मतलब कि इनको तो आप हमेशा देखते हैं हमारी वीडियो, तो इनको इंट्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इनको आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ बोला हम लोगों के, वैसे कैमरा में आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं, तो भाई अपना थोड़ा सा बताओ ज़रा। मेरा नाम प्रांकुर श्रीवास्तव है, मैं कानपुर रहता हूँ और बी ए सेकेंडरी स्टूडेंट हूँ। इन भाई का जो है ऐसा फर्स्ट टाइम कैमरा बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ऐसा है वरना ये बहुत ज़्यादा कॉमेडी करवाते हैं, ये बस खाली फर्स्ट टाइम कैमरा बोल रहे हैं, देख रहे हो हमें गिरा ये गिरा वो गिरा, ऐसे ही होता रहेगा आज पूरे दिन बस में, तो इन्जॉय काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। तो अभी आप बढ़िया मस्त बस बस चले, थोड़ा तो कुछ शॉर्ट एंड आए चले चलते हैं। हाँ, तो भाई साहब अभी जो ना ऐसा हम लोग उराई भी पहुँच गए हैं, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए ऑन एवरेज हम लोगों ने 100 किलोमीटर के आसपास की जो डिस्टेंस है ना वो अभी कवर कर लिया, एंड अभी भी 600 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र जो है अभी भी बाकी है। उल्टो मज़ा आ रही भाई बस में, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है, धमाके दार एकदम। हाँ, तो वैसे अभी जो है ऐसा हम लोग इधर झांसी में कहीं पे रुके हुए हैं, एंड एक्चुअली रात है तो जगह है मेरे को मालूम नहीं है, एंड पीछे खड़ी है ये अपनी बस, फ्यूल अप वगैरह हो रहा है,
250 किलोमीटर हो गया, थोड़ा और बचा है। ओके हाँ तो भाई साहब अभी जो ना ऐसा हम लोगों ने यूपी की बाउंड्री क्रॉस करके अब हम लोग जो ना ऐसा मध्य प्रदेश के अंदर एंटर हो चुके हैं। एंड यहाँ पे एक ये ढाबा है, क्या नाम है, सैनी ढाबा। यहाँ पे भाई साहब रुके हुए थोड़ी देर के लिए, बढ़िया मस्त हाथ पैर थोड़ा सीधे हो गए। एंड पीछे खड़ी है फिलहाल हम लोगों की बढ़िया सी बस। और खाना जो ना ऐसा हम लोग घर से ले आए थे तो वही हम लोगों ने अभी खा पी लिया है। एंड फिलहाल चाय देखते हैं और फिर उसके बाद अगर और भूख लगेगी तो और खाएँगे पियेंगे। बट मज़ा बहुत आ रहा है यार, कसम से बिल्कुल एकदम ठंडी में। अब तुम्हें ठंड अंडर नहीं लग रही है क्या? नहीं यार, देख रहा हूँ बिल्कुल सैड एट पॉइंट के नॉर्मल घूम रहे हैं। एक अंदर फिलहाल चाय का ऑर्डर दे रहे हैं, वही इंजॉय मस्त कर रहे हैं। और भाई जो ड्राइवर साहब है वो खतरनाक है, सरदार ड्राइवर है। हाँ सरदार खान, हाँ ये देखो टॉफी दे रहे हैं यहाँ पे, कौन सी नहीं है, पल्स है और सेंटर फ्रेश। इतनी टॉफी ली सही है क्या बताएं, बट बढ़िया है भाई साहब, बस भी अपनी एकदम मस्त है। चलो फिलहाल अभी चाय पीते हैं। ये देखो हीरो है लड़का मेरा। इतनी रात में चंदा वेद के बराबर ही है। रात के 12 बजे चाय पीने का मजा ही अलग आता है बिल्कुल। 12 बज गए बाबू, 5 से 6 घंटे का सफर और भी बाकी। अभी सिर्फ और सिर्फ 200-250 किलोमीटर सफर हुआ है अभी, लगभग लगभग 500-600 किलोमीटर सफर और बाकी होगा अभी। हाँ 500-600 किलोमीटर सफर और बाकी। अब फिलहाल हम चाय पीने कंसंट्रेट करते हैं, अब बाद में मिलते सीधे बस होगा। ओके भैया जी, अभी तो ना ऐसा सुबह के बज रहे हैं 5 और कहीं पे ऐसा, कहाँ पर रुके हम लोग? शाहपुरा में हम लोग रुके हुए हैं, मतलब कि ऐसा पता नहीं किस लिए रुके हैं, मेरे को मालूम नहीं है। एक पर पेटली बट अभी होटल है यहाँ पे, तो बढ़िया मस्त चाय लेते हैं सुबह सुबह ठंडी में। हो जिंगल बेल जिंगल बेल। उज्जैन भैया कितना बचा है? उज्जैन यार, उज्जैन 130 बचा है उज्जैन। सर्दी लगा चढ़ा रहेगा हुआ, आराम आराम से पूछना। अरे आराम आराम से बंदा आराम से लाना। अरे मुंह में ना कुछ नहीं जाए। पीछे लगा हेलीकॉप्टर का, हेलीकॉप्टर का पर, हेलीकॉप्टर का पर ये लगा, हेलीकॉप्टर का पर, ये हेलीकॉप्टर का पर लगा है ऊपर। सही बात है भाई, मतलब देख रहा हूँ कितना ही बड़ा है, ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। देखो हम भी हैं, हमारे बस का ड्राइवर है सरदार खान, गैंग ऑफ बासुपुर वाला। उन्होंने कहा भैया
भाई चलता हो तो पूरा गा देता होगा ऊपर से। मम्मी है हाले से तेरा हुआ। हो गया हाँ, तो ऐसा अभी जो ना ऐसा बिल्कुल सनराइज हो गया, पीछे माहौल बन रहा है सनराइज का, एंड यहाँ पे जो ना ऐसा विंडमिल भी लगे हुए, तो विंडमिल भाई साहब काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर साइड आके, बिल्कुल एकदम मज़ा आ रहा था वाकईदार। एंड वाकई फिलहाल ये लोग पता नहीं कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हो, कैसा लग रहा बताओ? अच्छा अभी तक की जर्नी कैसी लगी? अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, बहुत काटी है पूरी रात, बहुत अच्छी रही यार। बस में आगे बैठी गुजार दी है आधी रात, इंदौर गुजारी आधी रात, टिकट लिया था अंदर सोने का, लेकिन गुजार दिया आगे बैठे ड्राइवरों के साथ। टिकट नहीं थी स्लीपर, सरदार खान ड्राइवर थे ऊपर, ये देखो 500 पे सोचते रहे पान खाने के लिए, सुबह ज्यादा है, सुबह ज्यादा कहीं तो मन नहीं कर रहा है मन नहीं कर रहा है सुबह सुबह खाने का क्या बात है। सरदार खान को हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। और पल्स के डब्बे कितने रखे, एक दो तीन चार कर दो 10-12 डब्बे हो गए पीछे, माहौल बहुत सही लग रहा है। विंड बिल भाई फाइडिया और जीवन देख रहे, विंड मजा आ गया देख के। जाओ बे सामने, हाँ हाँ। बाकी अभी फिलहाल यहाँ से जो ना वो से भाई साहब 50 किलोमीटर अप्रॉक्स सफ़र हम लोगों का रह गया। एंड शाम जो ना यहाँ की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, वैसे बढ़िया जगह है, बढ़िया मस्त एकदम बसें वगैरह आ रही हैं। एंड विंड मिल भाई दिखने लगे हैं यहाँ पे, थोड़ा और क्लियरिटी हो मौसम में तो बढ़िया मस्त और दिखेंगे। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ एक बार, शायद दिख जाए जूम करने पर। अभी जरा ऐसा हम लोग भोलेनाथ की नगरी में आ चुके हैं। भैया जी सवार के निकालना, रुको एक मिनट। महाकाल की नगरी में हम लोग आ चुके हैं, काफी ज्यादा खुशी एक्साइटमेंट, मैं और मेरी पहली मोहब्बत यानी कि मेरा कैमरा, वी आर इन द सिटी ऑफ महाकाल, सिटी महाकाल, मेरे दांत की नगरी, हर हर महादेव। अबे विकास दुबे, विकास दुबे हमारे यहीं आए हैं, यहीं आए थे विकास दुबे महाकाल से दर्शन करने, महाकाल ने डायरेक्ट उनको बुला लिया, महाकाल ने कहा ओ बेटा तू हमारे प्रिय हो सीधे ऊपर यहीं आ जाओ। भोलेनाथ की नगरी में आ चुके हैं भैया, ये लोग हम लोग चले मंदिर के पास, अभी मंदिर के पास जा रहे हैं भैया। हो गया हाँ, तो वैसे अभी जो ना समस्त लोगों ने रूम का चेकअप कर लिया है, एंड फिलहाल रूम जो है वो डिसेंट साइज का है, ऐसा कुछ ठीक ठाक सा है, टीवी लगा हुआ है अंदर, इधर साइड वॉशरूम है बस ठीक है, डिसेंट साइज का है। और ये जो रूम पड़ा है वो पड़ा हम लोगों को 1200 रुपये का बार्गेनिंग करने के बाद, तो रूम का प्राइस वगैरह ठीक है। बाकी अभी चलते हैं बढ़िया मस्त इन्जॉय करते हैं, और ये लोग बातें करके रह जाते हैं कलाकार। और यहाँ पे खिड़की है जो कि आप ऐसे करके बंद भी कर सकते हैं, बाकी एक पर्दा टीवी है मेरे, तो शायद चलता होगा, एक बार चालू करके देखो यहाँ पे ठीक है, बढ़िया मस्त अभी आराम करते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं बढ़िया घूमने फिरने।
ओके हाँ तो भाई साहब अभी जो ना ऐसा फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, जो कि था हमारा कानपुर टू उज्जैन। एंड आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आया होगा, अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ आप उज्जैन घूमना चाहते हो। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सेकंड पार्ट देखने के लिए। सेकंड पार्ट अभी हम लोग जा रहे हैं, बस जा ही रहे हैं। टाटा बाय बाय एंड लाइक जरूर करके जाएगा, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ। Oh!